था कि न्यूज नहीं ब्लॉग बनाते हैं। अच्छा लास्ट का ब्लॉग राजू मेरे चैनल में बैठे हुए यहाँ पे। तो कैसा कैसा यहाँ पे चल रहा है इनका? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं आज ब्रह्मावन, जो कि गया के नज़दीक में ही है, एक पार्क है। ये देखिए ब्रह्मावन, और ये रहा इसका गेट। और हम लोग अभी जाने वाले हैं, जो कि एक पार्क है और बाईपास के बगल में ही है, एक किलोमीटर के नज़दीक में। और हम लोग यहीं से अभी आए, सारे दोस्तों के साथ आए घूमने, और अंदर बहुत मस्ती होने वाली है क्योंकि पार्क है ना, अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो देखने लायक है अभी, क्योंकि मेरे दोस्त लोग गए थे, बोल रहे थे कि वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि बहुत अच्छा बना है। तो हमने नहीं देखा अभी तक, हम आप ही के साथ आए हैं अभी, तो आप हमारे साथ रहिए और देखिए कैसा बना हुआ है अंदर, क्या है नहीं है। तो यह है ब्रह्मावन का जो लगा हुआ है लोगो, यही रास्ता है, रास्ते पर ही है ये, देखिए ये बगल में ही रास्ता है, और ये ब्रह्मावन का स्टिकर आपको दिख जाएगा रास्ते से जाते ही, आप जैसे ही आइएगा। और ये देखिए ब्रह्मावन का जो गेट है, ये ब्रह्मावन का गेट है, और यहीं से हम लोग को ये देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है, जो कि टिकट विकट का सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ब्रह्मावन गया, और यहाँ पर आपको सारा रेट दिख रहा होगा यहाँ पर अच्छे से। और यहाँ से हम जाने वाले, ये रहा गेट, और बड़ा सा गेट, तो अब यहाँ से एंट्री करने वाले हैं। और ये रहा यहाँ पे टिकट का लगा हुआ है 5:30 बजे तक यहाँ का, देखिए टिकट मिलने का समय शाम 5:30 बजे तक, और उसके बाद ये बंद हो जाता है। और ये देखिए यहाँ से सारा आपको नज़ारा दिख रहा होगा, पहाड़ वहाड़, उसके बाद यहाँ पे टिकट मिलता है, जो कि ज़्यादा आपको देखें यहाँ पे 20 रुपये टिकट था। तो आइए यहाँ पर टिकट हम लेते हैं, दोस्त लोग साथ में हैं तो हम टिकट लेते हैं, उसके बाद हम अंदर जाते हैं। तो गाइस हम लोगों ने टिकट ले लिया, ये देखिए ये मेरा ले लिया, और सारे दोस्त यहाँ पे टिकट, मेरा भी इसी में है, हाँ। और दो लोग इधर खड़े हैं जो कि कैमरा में नहीं आना चाहते, लेकिन मैं फिर भी उसको कैमरा में ले आया हूँ। और ये रहा गेट, और ये भैया खड़े हैं, बिना टिकट के अंदर जाने नहीं देंगे। तो ये देखिए, ये देखिए बिना टिकट के अंदर जाने नहीं दे पा रहे, तो अभी हम, मेरा टिकट वहाँ मिल गया है तो मैं भी अंदर घुस ही जाता हूँ। हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो एंट्री हमारी हो चुकी है अभी, और हम आ गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर आके, क्योंकि जो इधर का नज़ारा है वो देखने लायक है। और अभी देखिए यहाँ पे शुरुआत में ही आपको दिख रहा होगा ये गार्डन कितना सुंदर लग रहा है, और आइए इधर हरियाली आपको दिखाएंगे। पिछली बार मैंने आपको हरियाली दिखाया था, बहुत अच्छा लगा था, इस बार भी आपको हरियाली दिखाया जाएगा। तो ये है यहाँ का गार्डन, और हम आपको अभी एक अच्छा चीज़ दिखाते हैं, आइए। और ये देखिए यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए चेस का प्रबंध किया गया है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे घोड़ा, वजीर, रानी, राजा जो कहते हैं इसको, ये देखिए मेरे सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे होके चेस खेलने की तैयारी कर रहे हैं। वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए वो उस पर गुस्सा हो रहे हैं मेरे प्रिंस भाई। और ये देखिए ये लगे हुए हैं कि नहीं, हम लोग आज चेस खेल के ही जाएंगे। और यहीं पर बगल में देखिए डांस हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो यहाँ पे डांस वांस का तैयारी किया जा रहा है। और ये बगल में देखिए वहाँ पे चेस चल रहा है, और सारे लोग यहाँ पे पार्क में बैठे हुए हैं, 3 जगह पे चेस चलता है यहाँ पे। और ये वाइट चूज किए हैं और वो ब्लैक चूज किए उधर वाले, अब पता नहीं कौन जीतने वाला है यहाँ पे, तो खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, आधे में छोड़ के चले जाएंगे लोग, क्योंकि ये देखिए ये वाइट हो गया, और ये ब्लैक वाला वजीर यहाँ से, ये देखिए हाथी, वजीर, ये घोड़ा है, ये वजीर है, ये राजा, ये रानी, फिर वापस वजीर, ये घोड़ा, और ये हाथी, और ये सारे सैनिक यहाँ पे आगे में, सेम सिचुएशन है इधर। और ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं यहाँ पे खेलने के लिए, इधर से कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहे हैं, ये खड़े हैं लेकिन ये खेलेंगे नहीं। तो आइए, कोई खेलना चाहेंगे यहाँ पे? अभिषेक भैया जी, तो हम आपको मिलाते हैं बाद में। यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है, ये सारा फ़ोटो शूट चल रहा है, यहाँ पे डांस वांस का तैयारी चल रहा था अभी, तो हम अभी आपको दिखाए।
तो मैं आ चुका हूँ, ये देखिए यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये पक्षी शायद यहाँ पे है, लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन इसके बारे में लिखा हुआ है और जगह जगह पे ऐसे ही लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी है एक बरम पतरिंगा ये सब लगता है पक्षी यहाँ पे है। और इधर पे सौर प्लेट लगा हुआ है, कितने बड़े बड़े सौर प्लेट हैं यहाँ पे। और मेरे सारे दोस्त अभी वीडियो बनाने में लग गए हैं, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, और मैं इधर ब्लॉग शूट करने में लग गया हूँ। और अभी मैं इधर आ चुका हूँ, देखिए पहाड़ के नज़दीक ही बगल में हूँ, बाहर पार्क के बाहर से घूम रहा हूँ मैं। और ये बना है देखिए, बाहर से रोड जो बना हुआ है उसी पे मैं जा रहा हूँ। और ये बीच में है सारा गार्डन, सारे लोग बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, क्या क्या है नहीं है सारा चीज़ आपको दिखाऊँगा। तो और जेंट्स टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट यहाँ पर सब कुछ है, और बहुत ख्याल रखा गया है इस पार्क का। देखिए यहाँ पे गार्डन की सफाई चल रही है और काम लगा रहता है हमेशा, क्योंकि गार्डन है पार्क जो है तो इसको साफ सफाई नहीं कर रखेंगे तो फिर गंदा हो जाएगा, पब्लिक आते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसीलिए सब साफ सफाई होते रहता है। ये देखिए मशीन रखा हुआ है यहाँ पे, और हम अभी बाहर में हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्त पीछे हमारे हमको फॉलो करते हुए आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये मेरा दोस्त रील्स बनाने के लिए बहुत बेताब है, तो आइए हम आपसे ही मिलाते हैं अभिषेक भैया से। और ये अभिषेक भैया जो कि डांस वांस करते हैं हल्का फुल्का मनोरंजन के लिए, शायरी भी बनाते हैं। और इनका चैनल मैं आपको दिखाऊँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और हमारे साथ बॉक्स सब कुछ है, तो डांस भी होगा, बहुत मजा आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। गाइस देखिए यहाँ पे अभी शूटिंग होने जा रहा है गाना डांस का, तो हम आपको दिखाते हैं सारे दोस्त हमारे शुरू हो गए हैं। देखिए अभी तक ये मारामारी करने लगे, ए वैसे नहीं करना चाहिए, लड़का हटो वहां से हटो। तो और ये देखिए हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं वो अंकल जी, आप देखिए जब एक बार ये देखिए फिर से गाना बजा दिए, मतलब कि इन लोग का अभी खत्म होने वाला। ये देखिए ये लड़का जो है अपने आप में मस्ती कर रहा है, और ये देखिए अभी भी इन लोग का नहीं हुआ जो पार्क में आया है 20 रुपये।
लगाइए नहीं भैया जी, आप फोटो फोटो खिंचवाइए ना। चैनल का नाम ब्लास्टर ब्लॉग राजू है मेरा चैनल का नाम। हो गया रे फोटो, हो गया, जाते जाते जा। वहाँ से चलने वाले हैं, इनका हाथी अभी इधर ही है सारा है। और देखिए यहाँ पे दर्शक दर्शक लोग
क्योंकि ऊंचाई में लगा हुआ है। ये देखिए घेराव मरा गया यहाँ पे, और अभी हम उधर जाने वाले हैं इस साइड। अभी हम इस साइड गए हुए थे, अभी हम ये देखिए क्या कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं बोलिए तो। हाँ जल्दी वहाँ से हटो। किसको बात है बोल रहे हैं? और ये भाई साहब कुछ मजाक में मूड में है। और ये देखिए अब जाने का वक्त हो गया, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए यहाँ पे। पीछे से वो है ना उधर से सिक्योरिटी गार्ड को जाने के लिए बोलते आ रहे हैं, सबको एक इकट्ठा करके ला रहे हैं और सबको बाहर करने के लिए उनका काम है। हर दिन का यही काम है उनका कि नहीं भीड़ लग जाए या मतलब लास्ट में आपको संभालना है, ऐसा निकालना है सबको। तो 2 बजे से हम लोग आए हुए थे, 3 घंटे हम लोग ने 3.5 घंटे बिता चुके हैं यहाँ पे। 5:30 बज चुका है, उसमें भी लिखा हुआ था 5:30 बजे तक, तो 5:30 बजे हम लोग को भी निकलना चाहिए। तो अभी हम लोग को गार्ड निकाल रहे हैं गाइस यहाँ से। तो ये देखिए ये कुछ ये भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। 20 रुपया दिए पूरा सुन के जाएंगे साला पैसा। 20 रुपया दिए हैं तो पूरा वसूल के जाएंगे। हम भी दिए 20 रुपया, हम भी दिए। अरे सब लोग 20 रुपया दिया भाई, सब देखिए वहाँ से जा रहा है। और इनको भी लीजिए जल्दी वहाँ से हटो, जल्दी वहाँ से हटो। तो फाइनली सबको बाहर करते हुए हम लोग भी आ गए हैं वापस। और ये छोटा गेट से हम इन किए थे और बड़े वाले गेट से हम आउट होंगे यहाँ से। और ये भैया साहब खड़े हैं, कब बाहर जाए लोग, कब बाहर जाए लोग। और अभी भी इन लोग को फ़ोटो खिंचाने का बहुत सवार है। तो अब हम जा रहे हैं बाहर। ये हाँ, और ये देखिए हम लोग बाहर आ चुके हैं। यहाँ का भीड़ देखिए आप, कितना लोग यहाँ पे आए हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और इतना भीड़ की मतलब कहा नहीं जा सकता क्या। अंदर सुबह में तो दोपहर में आए थे तो कुछ नहीं था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने टोटो ऑटो खड़ा है, यहाँ पे सारा टोटो खड़ा है पहाड़ पे बाईपास पे। और भैया लोग टोटो लेके बैठे हुए हैं, किसी को प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हमेशा सुविधा यहाँ पे बना रहता है। तुम 20 रुपया वसूल कर लिया, ₹4 बचल था। 20 रुपया मतलब वसूल हो गया अच्छी तरह से? नहीं, 2 रुपया बचल है, हम पूरा सुन लिया, मेरा बचल है भाई। मतलब कि लास्ट तक इन लोग घूम के आए हैं, फोटो खिंचा के आए हैं कि नहीं हमको 20 रुपया वसूलना है। 4 घंटा भाई, 4 घंटा से इन लोग अंदर जा चुके हैं। अब बताइए मजबूरी कर दिए गार्ड को निकालने के लिए, इतना देर रहे हैं, बताइए अच्छी बात है ये? अच्छी बात है, पैसा वसूल के जा रहे हैं। ये होते हैं बिहारी का पहचान है।
एक रुपया सुन कर देगा अपना नहीं छोड़ेगा। इसका बात सुनिए, बोलो जी तुम बोलो। बिहारी लोग एक रुपया भी नहीं छोड़ेगा, आठना की बात दूर है। हो गया, इतना ही बोलना था भाई को। और काफी घूम लिया गाइस, अच्छे मतलब 4 घंटे से हम लोग घूम ही रहे हैं। हम तो डांस वांस वीडियो वीडियो बोल ही रहे हैं सिर्फ। हाँ, मेरा आदमी एक वहाँ, मेरा आदमी एक अंदर है, अब बाहर आए तो। अब हम लोग जाने वाले हैं अपने रूम पर, अब बहुत बकवास हो गई। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में आपके साथ, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और तब तक के लिए बाय।